ये मैयो के मैयो हम तो दौड़ ले ये भाई ये टिकट कटे लबे रलबे ये धा लबे जय जी चो चलो बात चलो बोल रानी माय हमरा जे पांच गो नोनो भेलैए प्रेमदेव जी जे सुपौल के निवासी छे ओकरा तरफ से 100 रुपया मिललैए। अच्छा तेल लगबे के लिए उठकर लगबे के लिए अने आबू ने आप हरिहर छियै ने आगे मागे में आप हरिहरे टा छियै आप त हरिहर का चोर बन गेलिए ये रानी माँ नोरी दाय सबसे पहले हमर एक बात सुनियो। हाँ एक तो हमर लहंगा फट गेलिए एगो लहंगा दे देबे ठीक ने आ 5000 टका दे देबे नानी गांव से तोरा जे सब साल सब महीना टका दे छियो घरे पे दे दे छी हमें छोड़ दो हमें ले दे ना कुछो ठीक छे नोरी दा आ पांच गो बेटा भेलै ये पांचो बेटा के अछमितपुर में खुशियाली मनेनाय छे नोरी दा रानी मां महामंत्री जी रानी जी बाप रे बाप अने आवियो एगो बात रानी जी जी बोलियो कोई दिक्कत न ले ले बाप रे बाप सब दिन दिक्कत दे भगवान देता दिमाग स्विच ऑफ क्या के छोड़ दे सब हमरा ऊ सब खचर पनी करे छे एक पर भले दू बेर भले नहीं छे महामंत्री जी अने सुनियो रानी जी। हां बड़ा खुशी के बात अछमित में भे हां ना की जे भैया देखो बात जाने छा जी जी रानी माँ के आरोसनी परोसनी दियादनी फटेदार नी हिस्सेदार नी सब अरे उल्हंग अपराग तेरे ओकरा मुंह में अढ़ाई किलो के तला लग अस्थिर से बोले के नामे न अस्थिर से हाँ 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 अस्थिर से बोल भी तब ने हमें बुझबे तू तो जना बोले छी ने कुछ ने हम बुझे छी अस्थिर से बोल कहल या हाँ राजा जी के बोले ले राजा जी के हाँ भोज भात हेते ने हाँ राजा भोज भात हेते ने तब नुनू का छोड़ दिन पूरे वाला छे ने हाँ बड़ा खुशी के बात छे ने जिया तू है राजा साहब का बोला और सब गराए छे विचार लेवे अछमित में तब ने भोज भात हेते यो तू ठीक है कहला जल्दी बोला लेट नहीं कर आयो या पीयो हिलाई दे
खुश रह नोरी गौर लाचिया। अरे देखे मास्टर साहब, यो मास्टर साहब जी राजा साहब, नोरी तो हमरो से मजाक क्या लीज एके आ के बेटी ने छी एकदम जरूर। एगो बात बता, दू गो बात बोलियो। लोग प्रणाम करे छे आशीर्वाद ले ले कि हमरा बड़ बुजुर्ग आशीर्वाद दे देते, आ तू प्रणाम करे छी हमरा चिट्टू काटे ले। आ हे हो भगवान एम आ राजा जी अनाब आ जाने छे गो बात की ना जाने छे। हां अरे तू कहै छी जाने छी एगो बात तो बोल भी तब न। यो यो याय कोनो एगो फैर नै भेलै कुत्ता भुकै छै आ नै एगो भै भेलै आ नै दू गो भेलै नै तीन गो भेलै नै चार गो। आयो पाया चायो आ जय हो भगवान। ए राजा जी रानी माँ आबि गेल, जल्दी चलू। अच्छा सुन, बुझलिए रानी माँ आब गए, तू जो कहे छी राजा साहब एगो ने दू गो ने पांच गो भै गए, हमरा बड़ खुशी है। एकदम सही बात छे नोरी। आगो बात जाने छे ने गे अछमी तनगरी में जय हो नारी के भगवान बुढ़ारी बेश में रानी के गर्भ से पांच पुत्र के जन्म अछमित में दिल के। हाँ राजा जी सही बात छनोरी कि आषाढ़ अछमित में हर घर में मंगल सोहर भय रहले नोरी, और सारा अछमित में आ उत्सव मना रहले कि भगवान राजा के बुढ़ारी वेश में रानी के गर्भ से पांच पुत्र के अछमित में जन्म दिल। हाँ राजा जी के ये अछमित में सब दिन लोग रानी के बाजिन कहे गुलक्षणी कहे। ऐ भगवान ऐ अछमित में सारा उल्हन उपराग हमरा मिटा दिल। हाँ राजा जी नौरी ऐ पांच रोज बेटा के अछमित में भेले, जै दिन से अछमित में बेटा जन्म लेल के अन धन सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ अछमित में लुटे लिए। नौरी राजा जी सबसे पहले दरबार में सबके बोला, मंत्री के रानी के और आए बेटा के छठिहार की खुशी में सारा अछमित में भोज भंडारा करबे। ठीक छे राजा जी सब आयल छे आगे बारा प्रणाम स्वामीनाथ। ए यही बिया हुआ हस्ती स्वामीनाथ,
हे स्वामी आई अछमी तपुर में बुढ़ारी वेश में गुरु के कृपा से पांच गो बेटा भले हे पति दे। हाँ सती सही बात छ भगवान, हे दुलारी आई अछमित में बुढ़ारी वेश में भगवान पांच पुत्र के जन्म दिल के रानी। दुलारी हाँ पति दे, आय सारा अछमित में बारह वर्ण छत्तीसो खंभ में हे सती पुत्र के जन्म के खुशी मन रहले आय पांच रोज से अछमित में सारा प्रजा लोग खुशी से मग्न छे कि राजा साहब के दरबार में पांच राजकुमार के जन्म भेले। हाय स्वामीना रानी पतिदेव भगवान आय ये अछमित में हे दुलारी बहुत बड़ा खुशी जीव के अछमित में भगवान दिल के। हाय स्वामीना लेकिन दुलारी पतिदेव आय सती वह गुरु गोसाई के हमरा याद आबे रानी जे गुरु गोसाई चौथा पनुमर बुढ़ारी वेश में पांच पुत्र के वचन दिल के और वचन दया के गुरु बाबा बारह वर्ष के लिए केदली के चली गए। हाय स्वामीना रानी है गुरु बाबा आ हे सती न जाने वही घना घोर जंगल में केना रानी गुरु बाबा के दुर्बल शरीर रहे गोरिया कुष्ठ शरीर बनल रहे गुरु बाबा केना वही जंगल में जीवन के व्यतीत करे हेते। हाँ पतिदेव रानी अगर आए गुरु गुस्से हे सती अछमित में रहती है या पोपी में रहती है आ जानती है तो बहुत खुशी गुरु बाबा के। हाँ स्वामीना खैर रानी गुरु बाबा बारह वर्ष के थे जा के केदली गेले जरूर गुरु बाबा लौट के एते। हाँ स्वामी जी और रानी पति देव आ पाचो बिटा के छठियार के स्वामी। हाँ रानी आ पाचो पुत्र के आ छठियार हेते हे सती नामकरण हेते। हे स्वामी पहला भगवान को एक में बेटा बेटी नहीं देने रहे नहीं द्वार पर कोई भोजन धार करे रहे स्वामी नहीं कोई पैन जल पिए रहे भी हुआ। सही कहलिए रानी नहीं कोई दान ले रहे हे स्वामी आए तो बुढ़ारी बेश में पांच गो बेटा भले भूखल का यन देवे स्वामी प्यासल का पानी निवस्त्र का वस्त्र दान करबे पांचों बेटा के खुशी में सोना चांदी राज पाट लुटेबे स्वामीनाथ। हाँ दुलारी जरूर अवश्य अछमित में हे रानी बेटा के खुशी में आ छठिहार में हमरो मन होइए कि सारा अछमित में बारह वर्ण छत्तीसो खंभ के जात में निमंत्रण भिजवा के भोज भंडारा करी आ सारा अछमित के भोज खिलाबी किया कि रानी आ पांच रोज से सारा अछमित के लोग खुशी मनावे छे। हाँ पति देव अही लेल रानी आ दरबार में मंत्री नौरी सारा आदमी के जमा के लिए कि सबके विचार से अछमित दरबार में भोज है के चाहिए। हाँ पति देव एक बात और स्वामीनाथ दुलारी पहला स्वामी कोई में बेटा नहीं रहे अड़ोसनी पड़ोसनी के यज्ञा में जो बच्चा के जन्म है रे स्वामीनाथ तो ओकरा दुआरे भटवा भटिनिया आवे रे नाच गान करे रे पति देव। हाँ सती आय तो अपनो बुढ़ारी वेश में पांच गो बेटा गुरु के कृपा से भले स्वामी दुलारी आज अपनो दुआरे भटवा भटिनिया ये के स्वामी। अवश्य तेरानी हे सत्य जो भगवान पांच गो पुत्र के जन्म दल के ते दुलारी है ये बात ले कि यहाँ हर खाई छे जरूर भगवान जब पुत्र के जन्म दिल के तो जरूर अपनो द्वार पर भार पमारे ते रानी पति देव ऐ बात ले आने घबराबू धैर्य बैठ के रहू जरूर अपनो द्वार पर भार पमारिए ते। ठीक छे स्वामीनाथ छिने रानी एक बेर मंत्री नौरी से बुझ लेल जाए कि मंत्री के और नौरी के की विचार छे भोज बारे में। सही बात कह लिए पति देव पूछ लिया ना है। मंत्री राजा साहब
एक बात बताबा कि भगवान पांच पुत्र के जन्म अक्षमित में दिल के मंत्री। हाँ राजा साहब, बड़ा खुशी के बात छे ने। और मंत्री ऐ लेल दरबार में सबके बजलिया कि आय मन होइए बेटा के छठिहार के खुशी में सारा अक्षमित में भोज भंडारा करी। राजा साहब। हाँ मंत्री। वह मन तो हमरो के है या कि पूरा अक्षमित में भोज भात होना चाहिए। ते एक बात बताबो मंत्री। हाँ राजा जी। मंत्री हो या अक्षमित में भगवान ने धन दौलत के कमी देने ये ने राजपाट ने महल टारी। हाँ राजा जी। भगवान एगो संतान के अक्षमित में कमी देने रहे जे आय अक्षमित में भगवान पूरा कह दिले। हाँ राजा साहब। मंत्री ऐसा भोज है के चाही कि सारा अक्षमित राज में जयजकार मचना चाहिए कि राजा के बुढ़ारी में भगवान पांच पुत्र के जन्म दिलके ते राजा बहुत धूमधाम से बेटा के छठिहार में भोज भंडारा के। हाँ राजा साहब। एलेल सबसे पहले तू और नौरी में विचार कह के हमरा बताबो कि कौन चीज के भोज है के चाहिए। पहले ओकरे से पूछियो ने कौन चीज के। मंत्री। हाँ राजा जी। तू दोनों विचार के और हमरा खबर बताबो कि ऐ चीज के भोज है के चाहिए। सा। हाँ मंत्री। के नौरी। हाँ भैया। अनैया बोलो कौन चीज के भोज करभी। कौन चीज के पहले तू है बोल ले। हाँ मैं बोलियो। हाँ हमरा मन है छ। अच्छा देखो तब तो नहीं बोल पता। पिया बोल। नहीं नहीं बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं छ। हमरा यह मन है छ। अच्छा कौन भोज नहीं भले छ में। रसगुल्लो के भोज भले छ। भात दाल पूरी बुनिया के भोज भले छ। सब कुछ के भोज भले छ। राजा मंत्री भैया। हां नोरी दाई हमर यह मन करे छ। हां कि मरवा के रोट कुछ न भैया तोहर की विचार नहरी गे लक्ष्मी तनगार में मंत्री छप्पन प्रकार के खाना व्यंजन बनई भाई। सही यो बात ठीक है। हे मंत्री जी देखियो अमित कुमार 51% दलके भोज करे के लिए बुझलिया। अच्छा तो वो में हाँ भाड़ा ला लबे। अच्छा सबे जाके निमंत्रण दे दियो फटाफट में घूम के। हाँ ठीक है। ठीक है भैया जा। राजा साहब। हाँ मंत्री। विचार है अक्षमित में भए गेले भोज भात के। अच्छा मंत्री सही बात छे तो कौन चीज के भोज होना चाहिए जैसे कि सारा अक्षमित के लोग खुश भए जाए और राज दरबार की जयजकार है की चाही। राजा साहब। हाँ मंत्री। ये हो अक्षमित में 56 प्रकार के व्यंजन खाना बनते। सही कहल मंत्री कि दरबार में 56 व्यंजन के भोजन तैयारी है के चाही जे जे चीज अक्षमित दरबार में भोजन करते ओकरा वह चीज भोजन मिलना चाहिए। हाँ राजा साहब। रानी सही बात मंत्री कहल के कि राजा साहब अक्षमित दरबार में 56 व्यंजन के भोजन बनना चाहिए और जे जे भोजन दरबार में मांगते ओकरा वो भोजन मिले के चाहिए। हाँ पतिदेव सही बात महामंत्री जी अपने के कहलक। हे स्वामीनाथ। ठीक छ रानी तो मंत्री दिए हे सती सारा अक्षमित में बाढ़ो वरण के निमंत्रण भेजा दे छे। हाँ पतिदेव। हे दुलारी खुशी से ये बेटा के छठिहार में हे सती यम धन सोना लुटेबे हे सती भोज भात अक्षमित दरबार में करबे। हाँ पति देव। ठीक छे मंत्री। आ राजा साहब जब विचार भए गेले ते लेट कोन चीज के। कोई चीज के नहीं सारा अक्षमित में 12 वरण 3600 खंभ के जायत में एक एक घर जाके आए राज दरबार के निमंत्रण भेजाबो। कि मंत्री हो जाके निमंत्रण दह कि राजा राज दरबार में बेटा के छठिहार के नामकरण में
है राजा राज दरबार में भोज भंडारा कर रहे है सारा छिमित में चूल्हा नहीं जरे के चाहिए। ठीक है राजा साहब, लेकिन मंत्री एक भी घर नहीं छूटे के चाहिए, बड़का से छुटका जायत से अनजायत सबके भोजन राज दरबार में बनना चाहिए। ठीक छे राजा साहब, कोई नहीं छूटते सबका, हम सब जना नेता और चूल्हिया लवार दाके चलबे सहने। हाँ मंत्री, अपने राज दरबार जाइयो, राज दरबार में आराम करियो, हम तब तक में तुरंत तक आबै छी। रानी हे सती पतिदेव, जे अपने की इच्छा रहे मंत्री के सारा बात बता दिलिए और निमंत्रण दे के लिए अच्युत राज के भेज दिलिए। ठीक है स्वामीनाथ दुलारी पतिदेव, और चलो रंग भल के चलो, हे सती आराम करबे रंग भल में। ठीक और